राजस्थान के जयपुर में 11 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के मामले में विशेष कोर्ट ने बुधवार को 4 आतंकियों को दोषी करार दिया। एक आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया गया। 13 मई 2008 को जयपुर में 8 जगहों पर बम धमाके हुए थे, जिसमें से 71 लोगों की मौत हुई थी। जिन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया उसके नाम शहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सुफेरुर रहमान एवं सलमान है। आपको बता दें कि विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा इस केस की सुनवाई करने वाली 8वें न्यायाधीश हैं। उनसे पहले 7 न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं। जयपुर धमाके में शामिल अन्य 4 आरोपी शादाब, आरिज, मोहम्मद खालिद एवं साजिद को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि 4 फरार आरोपियों में से मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था, लेकिन राजस्थान एटीएस ने अभी तक इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से रिमांड कर नहीं लिया गया है। इसके अलावा इस ब्लास्ट के 2 अन्य आरोपी मोहम्मद आतिक व साजिद छोटा की 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस में पुलिस से हुई मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इस दौरान पीड़ित परिजन ने चारों दोषियों को आंखों के सामने फांसी पर लटकाने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोग मारे गए थे और 185 लोग घायल हुए थे। दूसरी ओर जयपुर ब्लास्ट में शामिल 2 आरोपियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों हैदराबाद जेल में बंद है। जयपुर में दर्ज मुकदमों में पूछताछ के लिए इन्हें जयपुर लाने की कोशिशें जारी हैं। इन आरोपियों को पहला आरोपी असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी है, यह भी यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल है, यह असदुल्ला के साथ ही हैदराबाद जेल में बंद है। परकोटे में हुई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद राजस्थान की भाजपा सरकार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया था। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया। साथ ही कोतवाली और मानक चौक थाने में दर्ज 8 केसों का अनुसंधान एटीएस राजस्थान को सौंपा गया। एटीएस ने इन धमाकों में 11 आतंकियों को नामजद किया। इनसे 5 आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं 2 आतंकियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक को पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।